प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। सेवा भारती समिति द्वारा श्री राम जानकी सर्वजातीय विवाह समारोह अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को भारतीय आदर्श विद्या मंदिर आवासन मंडल धौलपुर बाड़ी रोड पर होगा। इस सामूहिक विवाह समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं हेतु आज आवश्यक बैठक गिरीश गर्ग की अध्यक्षता में की गई। बैठक में वंचित, अभावग्रस्त एवं उपेक्षित परिवार के लड़कों एवं लड़कियों ने 11 जोड़ों की शादी का लक्ष्य रखा था। इस अवसर पर विद्या विभाग बौद्धिक प्रमुख अनुराग शर्मा द्वारा सदस्यों द्वारा कार्य बनाकर कार्य करने का आग्रह किया गया। राम ख्यातसार सिंह ने बताया कि जोड़ों के रजिस्ट्रेशन का काम 15 अप्रैल तक पूर्ण किया जाएगा। जोड़ों के रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय ब्रजकिशोर संतोषी लाल बजाज से संपर्क करें। सुरेश सिंह ने बताया कि इस महंगाई के दौर में सामूहिक विवाह में रजिस्ट्रेशन कराकर आम लोगों को लाभ देना चाहिए। इस समारोह में प्रत्येक जोड़ों को गृहस्थी का सारा सामान दिया जाएगा एवं संपूर्ण खर्चा समिति द्वारा वहन किया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन आदर्श विद्या मंदिर हाउसिंग बोर्ड स्कूल में आयोजित किए जा रहे हैं, जो कि 3 मई 2022 अक्षय तृतीया को आयोजित होंगे। उसमें हम लोगों ने हमारी समिति के द्वारा 11 जोड़ों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें न रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्ट्रेशन हनुमान तिराया संतोषी लाल जी की बजाज की दुकान पर कार्यालय बनाया गया है, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो भी जरूरतमंद गरीब लोग, आवश्यकता वाले जो इस सम्मेलन के द्वारा अपने जोड़े निश्चित करके रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, तो 5100 रुपये की शुल्क निर्धारित की गई है। 5100 रुपये वरपक्ष और 5100 रुपये वधुपक्ष। इस तरह से इसके अलावा जोड़ों से कुछ भी नहीं लिया जाएगा और सर्वजाति विवाह सम्मेलन की जो समिति है पूरा खर्चा उठाएगी और घरेलू सामान जो भी आवश्यक है वो पूरा सामान भी समिति के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए समाज के जरूरतमंद लोगों से निवेदन है कि उस सम्मेलन का लाभ उठाएं, अक्षय तृतीया को अपना रजिस्ट्रेशन शादी कराने के लिए अपना इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। धौलपुर से अनुराग बघेला की रिपोर्ट।